लुधियाना दे सांसद रवनीत बिट्टू वालों बीते दिनी बीजेपी खिलाफ विवादित शब्दावली वरती गई सी, जिस दे विरोध च भारतीय जनता पार्टी वालों उस खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस च उन्होंने रवनीत बिट्टू खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इस संबंधी जिला भाजपा प्रधान पुष्पेंद्र सिंगल का कहना है कि रवनीत बिट्टू ने बीजेपी खिलाफ गलत शब्दावली वरती है, वह उसकी कड़ी निंदा करते हैं और रवनीत बिट्टू खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अज का जिहड़ा धरना है असी लुधियाना के मैंबर पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू की देशद्रोही भाषा के खिलाफ चौक घंटाघर के इतिहासिक चौंक के लाया। बिट्टू ने पिछले हफ्ते बोलते हुए ये गल कही, पहला इन्हें अज तो 2 महीने पहला साढ़े जो सूबा प्रधान जी से हमला होया दसूहे के नेड़े, उस वेले भी इन्हें कहा कि हमला मैं कराया, कर लो जो करना है। असी पुलिस में शिकायतें कीतियां लेकिन पुलिस के कन्ना ते जू नहीं रेंगी। लेकिन अज पिछले हफ्ते इन्हें फिर एक गल कही कि अगर 1 तरीक तक किसानों के पक्ष फैसला ना किया तो असी लाशों के ढेर बिछा देंगे और पाकिस्तान और चीन से खड़े सिख फौजी बैरिक छड़ के बाहर आ जाए। सो यदी देशद्रोही भाषा के खिलाफ जिहड़ी पंजाबीयत का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, ये पंजाब दे विच हिंदू सिख भाईचारे को आपस लड़ाना चाहते हैं। बीजेपी इस नूं किसी किस्म के बर्दाश्त नहीं करेगी और जब तक इतने मुकदमा दर्ज नहीं होगा असी ये लड़ीवार धरना जारी रखांगे। लेकिन अज जिहड़ा असी लुधियाने च धरना लाया, इत्थे दी पुलिस प्रशासन ने कैप्टन सरकार दे वलंटियर बंदे हुए, कांग्रेस के नुमाइंदे बंदे हुए, कांग्रेस के वर्कर बंदे हुए, शहर चारों पासे जाम करता, व्यापारियों की दुकाना बंद करा दी, व्यापारियों तंग किया। ये बहुत चलन वाला चौंक है, इस करके चारों पासे बंद करना शहर का वातावरण खराब करने वाली गल है। और व्यापारियों च भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के मगर लग के पुलिस ने इमेज बिगाड़न की कोशिश की, यूथ कांग्रेसियों के मगर लग के। सो इस करके अज का जिहड़ा धरना मैं 11 तो लेकर 3 बजे तक अनाउंस किया, 1 बजे भारतीय जनता पार्टी 11 तो 3 अनाउंस किया, 1 बजे समाप्त करते हुए व्यापारियों की दिक्कतों को देखते हो। और कल तो यह जिहड़ा धरना है बिट्टू के खिलाफ सीपी ऑफिस के बाहर लड़ीवार जारी। उते ही दूजे पासे धरने कारण व्यापारियों को बहुत परेशानी झलनी पै रही है। चौड़ा बाजार च देखो जी धरने लाते हैं, पूरे बैरीकेड लगे हुए हैं, ठीक है जी। बैरीकेड करके कोई पुलिस इधर अंदर नहीं आन दे रही, बंदा एंटर नहीं होने दे रही हैगी, ठीक है जी। पहला करोना करके 3 महीने बंद रहा वै, तो हूँ यह सारा पंगा पिया है वै। नहीं इन्हों देखो दुकान का किराया हैगा वै, मेन घंटाघर चौंक के दुकान हैगी अपनी, इन्हों खर्चे कितों देने हैं देखो जी, सारा खर्चे औखे हुए पे है हूँ। इस टाइम गाहक भी कोई बीआरओ की मतलब कि दूरों दूरों कोई किन्ने गाहक आते थे, कोई भी नहीं आते, कोई भी गाहक नहीं आते रहे है इधर, सारा बंद किया है इन्होंने, बैरीकेड किया है वै। देखो पूरा धरना लाया है वै, शहर च इदा धरने नहीं लगने चाहिए, कितने ग्राउंड लगने चाहिए खुले एरिए, मतलब कि शहर के वैसे भी लोग डर जाते, आवाजाही खराब हो जाती, मतलब कि इतने आना जाना वै। लुधियाना तो सुरिंदर सोनी की रिपोर्ट। जेकर तुसी भी पुरानी तो पुरानी जुकाम चमड़ी के रोग या गोड्यां दे दर्द तो हो परेशान, तो हुण तुहानू घबराउण दी नहीं लोड़, क्योंकि आरोग्यम आयुर्वेदिक हस्पताल तुहाडी हर बीमारी नू 100% गरंटी नाल करेगा जड़ तो खत्म। हुण लखां रुपए का इलाज बहुत घट पैसों विच कराओ, पेट दियां हर तरह दियां बीमारियां दा भी मिलेगा रामबाण इलाज। उम्मीद छड़ चुके लखां लोकां लई आस दी किरण बनिया आरोग्यम आयुर्वेदिक हस्पताल। जेकर तुसी भी किसी बीमारी तो हो पीड़ित तो बिना सोचे समझे आज ही आओ आरोग्यम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, माल रोड ऑपोजिट थिंद हॉस्पिटल, मॉडल टाउन जलंधर। इस तो इलावा तुसी सानू पटियाला, बठिंडा, करनाल ते दिल्ली विखे स्थित हस्पतालां च भी मिल सकते हो। फोन नंबर 9216-014-08।